क्वार्टर फाइनल होने वाला है आईजीएम स्कूल और उनके सामने होने वाले हैं सेंट एडमंड स्कूल। ये पहली रेड आईजीएम स्कूल की तरफ से शुरुआत हो चुकी है इस गेम की भी और डिफेंस को देखना पड़ेगा, ऐसी गलतियां नहीं हो सकती शुरुआत से। वन पॉइंट आईजीएम स्कूल। सेंट एडमंड स्कूल अब अपने रेड के साथ खाता खोलने के लिए तैयार, शंखनाद करने के लिए है तैयार। राइट कॉर्नर पर निशाना है लेकिन लेफ्ट कॉर्नर ने अपना काम करके दिखाया और आईजीएम स्कूल के डिफेंस ने भी अपने खाते को खोला। अगली रेड के लिए तैयार आईजीएम स्कूल, जोश है तो शून्य ऑलरेडी इस समय हो चुका है। अनु कुमार को लेकिन पकड़ा जाएगा मिड लाइन के करीब, क्या उनका हाथ आगे गया? जी हाँ, आईजीएम स्कूल सुपर रेड। अब यहां खाता खोलने के लिए पूरी तरह से तत्पर, लगातार हैंड टच की कोशिश, आखिरकार एक हैंड टच हो गया। सेंट एडमंड स्कूल ऑल आउट के नजदीक, क्या किसी तरह यहां पर ऑल आउट बचाया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, आसानी से यहां पर आईजीएम स्कूल ने ऑल आउट को किया है पूरा। कॉर्नर के ऊपर ही अपना निशाना साधते हुए इस बार कोच की बात माने और लेकर आए एक सुपर रेड। सेंट एडमंड स्कूल वापसी के लिए तैयार। क्या कमाल का ये प्रदर्शन सेंट एडमंड, एक फाइट दे रहे हैं लेकिन आईजीएम स्कूल को पता है पॉइंट्स कहां से निकालने। अक्षत यहां पर दावा कर रहे हैं लगातार, बोनस प्लस वन पॉइंट मान लिया गया, फिर से बोनस भी मिला, एक पॉइंट भी मिला आईजीएम स्कूल को और इसके साथ साथ सेंट एडमंड स्कूल के सामने 8 पॉइंट की लीड पर आ चुके हैं पहले हाफ के अंत के नजदीक। विहान तैयार अपने पॉइंट्स निकालने के लिए, 20 सेकंड के अंदर ही सारा का सारा पॉइंट्स का भार अपने हिस्से में लेना पड़ेगा, जितने भी पॉइंट्स ले सके और क्लेम कर रहे हैं कि एक तो मिला। वन पॉइंट सेंट एडमंड स्कूल। हाफ टाइम पर तीसरे क्वार्टर फाइनल के आईजीएम स्कूल है 13 पॉइंट्स पर, सेंट एडमंड स्कूल है 6 पॉइंट्स पर, लेकिन वापसी के लिए है वो तैयार। पिछले हाफ में सेंट एडमंड स्कूल के कप्तान शुभम कुमार ने एक सुपर रेड के साथ एक उम्मीद दिलाई थी अपनी टीम को और अब यहां पर आए हैं कप्तान शुभम कुमार और फिर से पॉइंट लेकर गए। सेंट एडमंड स्कूल जर्सी नंबर 5 आउट। 20 सेकंड में यहां निर्णय बदल सकता है। अक्षत जोशी स्टार रेडर सुपर 10 लगाया, इन्हें रहना पड़ेगा सक्रिय मैट पे, खैर एक और पॉइंट ले लेंगे। कोशिश इस समय 3 मिनट से ज्यादा का समय बचा हुआ है लेकिन उस समय में इस लीड को कम करना है, इस फासले को कम करना है, पॉइंट निकाला गया है लेकिन क्या और पॉइंट्स के लिए जाना चाहते हैं? फंस जाएंगे ऐसी सिचुएशन में, जी हां फंसे हैं लेकिन क्या मिड लाइन के करीब है? जी हां, 4 पॉइंट सेंट एडमंड स्कूल। नीतू आए हैं जिनके पास कोई रेड पॉइंट नहीं, पहली रेड पे आए हैं, ऐसे में मुश्किल ना हो जाए। एक अच्छा एंकल होल्ड और पूरी टीम हावी हुई, यही चाहिए था सेंट एडमंड स्कूल को, यही मिला सेंट एडमंड स्कूल को, ये ऑल आउट। और अब लगातार शुभम कुमार खुद ही आ रहे हैं रेड के लिए, बिल्कुल भी थकान नहीं इस खिलाड़ी के अंदर, लगातार जिम्मेदारी को संभालते हुए हैंड टच लेकर आए हैं। वन पॉइंट सेंट एडमंड स्कूल। अक्षत जिन्होंने अभी तक पॉइंट्स निकाले हैं, सबसे ज्यादा जरूरत टीम को, एक पॉइंट निकाल लिया है और ये है एक अच्छा मेंटल गेम लेकिन उधर भी बोनस प्लस वन और एक सेकंड बचा है, मतलब एक रेड और होगी और यहां बिल्कुल मिड लाइन के पार गए सेंट एडमंड स्कूल ने इस आखिरी रेड में मुकाबले को अपने पक्ष में कर लिया है। 2 पॉइंट सेंट एडमंड स्कूल। पिंक सिटी में पिंक जर्सी वालों को मुस्कुराने का एक मौका मिला। 21-23 का ये स्कोर लाइन सेंट एडमंड स्कूल, सबसे कमाल का मुकाबला अभी तक।